अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्लोर कराची में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आए हैं यहाँ पे फिशरी, यहाँ पर आपको जो है वो खाने के कुछ स्टॉल नज़र आएंगे मछली के, और हम उनसे थोड़ी सी बात भी करेंगे और ये तो आपको थोड़ा सा विजिट कराते हैं। ये देखिए जी, ये दो पीस माशाल्लाह इसके मैंने कर लिए, ये देखिए बहुत ही इसका ज़बरदस्त प्ले है, और ये आधा किलो से इसका वज़न ज़्यादा है, और ये मुझे भाई ने दिया, ये तकरीबन 40 रुपए का ये पीस यहाँ पे ये मिल रहा है। और दाने वो चीज का है जो दरमियाने साइज का है, वो 50 का है, जो उससे बड़ा है जो करीबन अच्छा ये पीस के हिसाब से, जी जी आधा किलो का दाना जो है, यानी ये वजन के हिसाब से नहीं, ये मुझके देखो, ये देखे जी 60 रुपए की दाना है, ये 60 रुपए का है, और उसका वेट अगर मैं आपको बताऊँ ये तकरीबन मेरे हिसाब से ये आधा किलो के हिसाब से आधा किलो के थोड़ा सा ज्यादा ही इसका जो वेट आ रहा है। तो मछली है, ठीक है, कितनी अच्छी खासी बड़ी मछली है, और बहुत कर में मसाला डाला, मसाला लगा कर डाल दिया, बस ये काफी है। सस्ती मछली क्यों है, इसका रेट कम क्यों है, ताजी भी है, सब चीज अच्छी दे रहे हैं आप, इसका रेट कम क्यों है? सर जी सुनो, अच्छा मैं आपको मजीद बताते चलूँ कि ये जो लकड़ी पे पकाई जाती है ये कोयलों पे, तो इसका टेस्ट ही और होता है, बहुत ज़बरदस्त इसका जायका है। अच्छा जी, ये इस मछली में अगर मैं बताता चलूँ कि आमतौर पर जो शहरों में मछली दस्तियाब होती है उसमें दुम और जो इस तरीके से आपको दुम का पर और ये नज़र आ रहा है वो कटा हुआ होता है, यहाँ पर जो मछली मिलती है उसमें ये देखें थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम कर सकूँ, ये दुम के साथ है लेकिन इसको बिल्कुल तरीके से साफ किया गया है, ये बिल्कुल हाफ हुई हुई है एक तरीके से, आधी मछली है यानी कि एक मछली के दो पीसेस हुए हैं, और जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है मसाला जात वगैरह ये हाफ डन हुई भी एक तरीके से ही है, तो कस्टमर कोई लेता है तो उसको थोड़ा सा गर्म कर दें या दोबारा क्रिस्पी कर दें, लेकिन ये एक तरीके से तैयार है बिल्कुल हाफ डन मसाले के साथ में, तो ये जैसे कि नज़र आ रही है अब इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सर, अपना नाम बताएंगे? जी मेरा नाम है मोहम्मद नबी। अच्छा यहाँ पे आपका ये मछली का स्टॉल है, तो इसके बारे में बताएं कौन सी मछली है और क्या किलो आप दे रहे हैं और किस तरीके से इसको फ्राई करते हैं, क्या तरीके का है? इसका नाम है कुकड़। अच्छा ये कुकड़ मछली है, ये देखें ये हाफ हुई हुई है यानी कि दो पीसेस के एक मछली के हुए, दो मछली मिला के एक कुकड़ है। मुश्का, ये मुश्का है, इसका नाम है फिर कुकड़, ये है मुश्का, सही, ये है डिस्को। डिस्को कौन सी है भाई? ये बनेगी, ये डिस्को क्या? आ, अच्छा जी डिस्को मछली है, ठीक है, ये है डीरी, ये डीरी है, वो है डामा, ये गेसर जिसको कहते हैं, गेसर, सही। और बाकी ये जो मछली है, हाँ हाँ ये मतलब ये चार पाँच आइटम है, इसका नाम है बांगड़ा, बांगड़ा कहते हैं, बांगड़ा ये जो आप फ्राई कर रहे हैं, हाँ हाँ ये बांगड़ा है। अच्छा जी, ये जी बांगड़ा ये जो कढ़ाई में इस वक्त नज़र आ रही है ये गर्मा गर्म इस वक्त, ये जी। अच्छा जी, अब भाई से बात मुकम्मल करते हैं। अच्छा इसके बारे में आप बताएं कि ये स्टॉल आपने कब से लगाया और इसका रिस्पांस कैसा है, मछली का जो मसाला लगाते हैं वो क्या है, आपसे करूँ? अच्छा फिर उस तरफ आ जाऊँ मैं, रुक जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा मछली का आपने बता तो दिए कि कौन कौन सी है, तो इसके रेट वगैरह मुझे बताएं। इसका सर जी रेट यही है कि जो छोटे दाने हैं वो 30 का है, जो दरमियाने साइज का है वो 50 का है, जो उससे बड़ा है जो करीबन अच्छा ये पीस के हिसाब से, जी जी आधा किलो का दाना जो है, यानी ये वजन के हिसाब से नहीं, ये मुझके देखो, ये देखे जी 60 रुपए की दाना है, ये 60 रुपए का है, और उसका वेट अगर मैं आपको बताऊँ ये तकरीबन मेरे हिसाब से ये आधा किलो के हिसाब आधा किलो के थोड़ा सा ज्यादा ही है इसका जो वेट आ रहा है, ये आप देखें अच्छी बड़ी मछली है पूरी,
ये देखें मेरा हाथ पूरा इसमें कवर हो रहा है और ये 60 रुपए का दाना है। जी जी। ये जो मछली इसकी क्या रेट है? इसका होता है जी मतलब है कि 50 का दो दाने पे। 50 के दो? दो। अच्छा जी 25 यानी कि 50 रुपए की दो मछली है। ये कोई फाइनल नहीं है कि खास 50 जरूरी है। अच्छा अगर कोई 30-40 में भी दे तो मतलब ये फायदा है हम लोगों को, 2-4-5 रुपए दो दाने में फायदा होगा। सही। अच्छा आपकी कोई खास रेसिपी है? ये मसाले वगैरह क्या लगाते हैं? जो मेन चीज जो है बेसन है, बेसन में जीरा धनिया मेथी और अजवाइन। दूसरी बात ये है कि लहसुन अदरक कूट के बेसन में सारा को गाढ़ा मिलाता है। अच्छा जी। इधर देखो जी ये डिस्को डिस्को मच्छी है। ठीक है ये देखिए जी कितनी अच्छी खासी बड़ी मच्छी है। और शिकार में मसाला डाला, मसाला लगा कर डाल दिया, बस ये काफी है। अच्छा इसका नाम है लाइव। बिल्कुल ये मसाला लगाया और ये डाली, रखने की मैं कोई जरूरत नहीं है। इसका कुल नाम है जो शहर में पकौड़ो जैसा मछली मसाले में हाँ, आते हैं तो वो चीज बेकार है। वो तो वो कलर बहुत ज्यादा तेज बनाते हैं ना। अच्छा कलर के बजाय वो लोग माल मछली बहुत ही फ्रेश है। ये मसाला वगैरह लगा के ना रखा हुआ है, जो पेपर है ये आप देख सकते हैं। अच्छा ये मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि शहर में जो मछली दस्तियाब है तो ये भी कराची के अंदर ही, लेकिन बस ये है कि बिल्कुल आप मार्केट के साथ ही है, तो सस्ती मछली क्यों है? इसका रेट कम क्यों है? ताज़ी भी है, सब चीज़ अच्छी दे रहे हैं आप, इसका रेट कम क्यों है? हर किसी का अपना मर्जी है और अपना ईमानदारी है। ये जो मेरा रेट चल रहा है इसमें भी अल्लाह पाक हमको 500-800 रुपए जड़ी दे रहे हैं। यानी कि आप जायज मुनाफा ले रहे हैं। जायज मुनाफा अच्छा है, समझ रहे हैं? जायज मुनाफा अच्छा है। इस शहर में जो 800 रुपए की किलो, 500 रुपए किलो, तो ये बिल्कुल यानी 10 रुपए में ये लोग 8 रुपए कमाते हैं। 10 रुपए में 2 रुपए चीज का कीमत होते हैं, 8 रुपए ज्यादा कमाते हैं। अच्छा वैसे ये कितने का पीस है? ये 40 रुपए। अच्छा जी और मछली कौन सी है? कौन है? अच्छा जी देखिए ये एक मछली हमने इनसे ली है, ये कुन मछली का पीस है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और वीआई पीस है। अगर आपको मैं दिखा सकूँ ये सही से, ये देखें काफ़ी वेट भी इसका अच्छा खासा है और आप ये देखें पूरा गोश्त ही गोश्त है माशाल्लाह, और बेहतरीन मछली है, साफ सुथरी और सबसे बढ़ के फ्रेश है ये बिल्कुल फ्रेश है। अब हम इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि अंदर से ये कैसी है और किस तरीके से इसको खा के बताते हैं आपको। ये देखिए बिल्कुल गर्म है एकदम, हॉट एकदम। ये देखिए जी ये दो पीस माशाल्लाह इसके मैंने कर लिए। ये देखिए बहुत ही इसका जबरदस्त प्ले है और ये आधा किलो से इसका वजन ज्यादा है और ये मुझे भाई ने दिया, ये तकरीबन 40 रुपए का ये पीस यहाँ पे ये मिल रहा है और बहुत ही फ्रेश है।
रीज़न जैसे कि आपको पता लगी गई होगी कि इसकी जो रीज़न है सस्ता होने की वो यही है, ये मार्केट से बिल्कुल फ्रेश ले रहे हैं तो मार्जिन को कम मिलते हैं और अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ये बहुत ही कम रखते हैं, तो इस वजह से ये जो सस्ती मछली यहाँ पर दस्तियाब है। कराची में यही मछली जो अगर आप जाएंगे तो इसे 3-4 गुना रेट ज़्यादा होगा उसका। दोस्त थोड़ा सा अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है, ये देखिए ये हम खा रहे हैं, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, ये देखें आप बहुत ही यमी लुक है इसका, जैसे कि आप देख रहे हैं ये चीज़ और धुआं निकल रहा है, गर्मा गर्म इस मछली के मज़े ही हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ा दे रही है ये, ये देखें जी ये माशाल्लाह, एक तरीके से बोनलेस है, खाली हमें ये जो इसकी जो बोन है या हड्डी है यही मिली है, कांटे इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर आप टेस्ट की बात करें क्वांटिटी माशाल्लाह, ये अभी तक मेरे से आधा पीस जो दिया था उसका भी आधा मुझसे भी खाया नहीं आ रहा, बहुत ही मीठी है, मीठी से मतलब गोश्त ही गोश्त है, देखें भाई बहुत ही लाजवाब और टेस्टी ये मछली थी, तो पूरा ही हमने ख़त्म किया, उसके सिर्फ खाल और थोड़े से कांटे वांटे ही बचे, तो अब जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ ग्रुप आया हुआ दोस्तों का मछली खाने के लिए और अभी ये वेट कर रहे हैं, तो इनसे हम थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, और मछली खाने आए हुए? अच्छा कैसी है मछली इनकी? मैं तो खाली माशाल्लाह ज़बरदस्त, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, लोगों भी बहुत अच्छा है। अच्छा तो आप लोग आते रहते हैं यहाँ पे? हम लोग आते हैं ज़बरदस्त, हम लोग काम ही यही पे। नाम बताएंगे अपना अपना? अब्दुल्ला खैरुल्ला रसूल खान, रसूल खान माशाल्लाह, अब्दुल्ला खैरुल्ला रसूल खान, इतने प्यारे नाम है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। चले भाई आप जो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और जो देखने वाले हैं, ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एक्सप्लोर कराची को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूं और लाता रहूं।